Good morning, students. Today I am showing you the slides of chapter data handling. Now, what is data? Data is information. It can be in the form of numbers, words, pictures and digits. It provides us with the facts by organizing this information in different ways. We can make it easier to read and answer questions and solve problems. ये किसी भी फॉर्म में सकता है, नंबर्स में भी, वर्ड्स में भी, पिक्चर के फॉर्म में भी, डिजिट्स में भी, और ये फैक्ट्स बताते हैं. एंड दिस टाइप, इससे हमारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना और उसको सॉल्व करना, उसके आंसर देना इजी हो जाता है. नाउ दिस स्लाइड, in this slide you see that is what is data handling. Data handling kya hai? Data handling is the way in which data can be represented graphically to give a clear idea of what it represents. Data handling includes bar graph, pictograph and tally marks. यहाँ पे डाटा हैंडलिंग बताया है कि हम डाटा, जो भी डाटाज हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्या वो क्लियर आइडिया हमें मिलता है कि हमने क्या चीज़ रिप्रेजेंट की है, और बहुत ही आसान तरीका हो जाता है इसको इंटरप्ट करने का. और इसको हम डाटा को पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इन दिस डाटा हैंडलिंग इंक्लूड्स दिस बार ग्राफ, इसके अंदर बार ग्राफ आता है, पिक्टोग्राफ आता है जिसमें हमें पिक्चर्स बने हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पिक्चर्स बने होते हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशन दिए उसके अकॉर्डिंग हमें पिक्चर्स बनाने होते हैं. और टैली मार्क्स होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. Now here the picture graph, here bakery items are given. Now cut out each bakery item and paste it on the graph. Above the same kind based on the graph, answer the questions. यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके का ये पिक्चर्स बने हुए हैं और ये ग्राफ बना हुआ है, इसके नीचे ये पिक्चर्स बने, आपको सेम काइंड के पिक्चर्स यहाँ पर पेस्ट करने हैं. फिर यहाँ साइड में इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. नाउ यू सी द पिक्चर ग्राफ बेकरी आइटम्स द आंसर. हाउ आई prepare this graph, that is first in question you see how many this round cakes, that is 3 round cakes. So we paste it here, 3 round cakes. यहाँ पे नीचे round cake बना हुआ है bottom में, उसके ऊपर हमने 3 round cakes paste कर दिए. ऐसे cup cake आप count करिए यहाँ question से, कितने cup cakes हैं, 1, 2, 3, 4, 5 cup cakes, cup केक्स हैं. तो आप यहाँ पे जहाँ कप केक्स बना हुआ है वहाँ पे आपने कितने कप केक ड्रॉ पेस्ट कर दिए, डैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5. अब आप नेक्स्ट आए, यहाँ पे ये ब्रेड केक दे रखा है, तो अब इस ब्रेड केक को हम यहाँ पिक्चर से देखेंगे कितने दिए हुए हैं, 2 दे रखे हैं. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पेस्ट कर दिए. इसी तरीके से नेक्स्ट ये वाला इस टाइप का है, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है, तो इसके ऊपर हमने कितने पेस्ट कर दिए, 4 पेस्ट कर दिए. इस तरीके से हमने ये पिक्चर ग्राफ को कंप्लीट कर लिया. अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे इस पिक्चर ग्राफ को देख के जो हमने कंप्लीट किया. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन विच हैज़ द मोस्ट, कौन सा सबसे ज़्यादा, विच हैज़ द मोस्ट सबसे, अब हम बार ग्राफ में देखेंगे किसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है, वही मोस्ट होगा, पॉपुलर होगा, डैट इज़ द कप केक। तो इसको हमने सर्कल कर दिया। नाउ हाउ मैनी मोर दिस राउंड केक देन दिस बंस, ये ब्रेड केक से कितना मोर है ये वाला केक। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ हमारे इस पिक्चर में टू ही आ रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे कितने हमारे आ रहे हैं ज़्यादा, मतलब यहाँ पे टू मोर हो रहे हैं। तो ये वाला क्या होगा, इससे टू मोर है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ मैनी दिस केक आर देयर, मीन्स कि ये जो राउंड चॉकलेटी केक है वो कितना है। अब हमने यहाँ से हमारी पिक्चर जो पेस्ट की थी, अब उसको काउंट कर लेंगे कितने, 1, 2, 3, तो हमने 3 लिख दिया। ये तो नीचे बॉटम वाले थे, इसको देख के ये वाली पिक्चर पेस्ट करनी थी, इसलिए हम यहाँ से काउंट करेंगे जो भी वाइट यहाँ पे ब्लॉक्स में है। तो हमारे कितना आया, 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इस तरीके से हम ये पिक्चर ग्राफ कंप्लीट करेंगे। Now, the next is what is a bar graph? अब आप देखेंगे कि bar graph क्या है? It is the way of representing data visually. Bars are of uniform width and can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. The length of each bar represents the given number frequency. यहाँ पे ये देखेंगे कि हम बार्स को या तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं या वर्टिकली बना सकते हैं, और यहाँ इनकी जो बीच की विड्थ है, मीन्स कि इनके बीच की गैपिंग है, दैट इज़ सेम इन एवरीवेयर, इसकी विड्थ जो है इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे हर जगह सेम होगी। नाउ This is the example of bar graph. Now you see, this is the example of bar graph. Here, that is only one sweet sold on a Monday. यहाँ पे स्वीट्स दे रखी हैं, ऑल टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर गिवन, हियर नंबर्स आर गिवन। हमें बताना है कि मंडे मीन्स कि ये सारी स्वीट्स मंडे को सोल्ड हुई। अब हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कौन सी स्वीट सोल्ड हुई, कौन सी सील सबसे ज़्यादा बिकी। तो इट इज़ ईजी टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम ए ग्राफ। ग्राफ को देख के हम ईजीली बता सकते हैं। देर इज़ ओनली वन सेट ऑफ डाटा ऑन दिस ग्राफ, एक ही सेट का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज नाउ द क्वेश्चन आस्क, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्वीट बॉट ऑन मंडे, कौन सा मोस्ट पॉपुलर स्वीट खरीदा गया मंडे को, मीन्स की सबसे ज़्यादा बिका, डैट इज़ मास। तो वी राइट आवर आंसर हेयर, डैट इज़ मास, और उसी को यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल किया हुआ है, सबसे ज़्यादा यही खरीदा गया था लोगों के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट, यू सी दिस इन दिस क्वेश्चन दैट हेयर counting and creating a bar graph. The count the insects of each kind and create a bar graph by coloring the appropriate number of squares. यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे बार बनाना है। यहाँ पे ये दिए हुए हैं इंसेक्ट्स, आप इनसे पहले अब नंबर काइंड मीन्स की कितने इंसेक्ट्स हैं वो काउंट कर देंगे, और फिर उतने नंबर कलरिंग द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, उसमें इसको कलर करेंगे। जैसे यहाँ पे ये आंसर आपको करके दिखाया है कि किस तरीके से करना है, ये इस तरीके से आप देखेंगे। सबसे पहले ये वाली पिक्चर है, अब ये आप काउंट करेंगे 1, 2,
5 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 5 तक इसको क्या कर देंगे, रेड कलर से कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी आंट की, तो इसमें हम इस तरीके की पिक्चर को हम काउंट करेंगे 1 एंड 2, ओनली 2 है, तो हमारा यहाँ पे हमने ये 2 नंबर्स तक लिया और इसको कलर कर दिया। इसमें क्योंकि ये वाला कलर था इससे कर दिया, यहाँ ये रेड शो रहा था रेड से कर दिया। नाउ दिस, ये हमने लिया फिगर 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 7 इंसेक्ट 7 टाइप का है और इसमें ग्रीन कलर है, तो ये हमने 7 तक यहाँ तक ले लिया और इसको कौन सा कलर कर दिया, 7। तो इस तरीके से हमने बार प्रिपेयर कर दिया पिक्चर बार। नाउ कम्स अ पिक्टोग्राफ्स। ए पिक्टोग्राफ इज अ ग्राफ डेट यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू शो एंड कंपेयर डाटा। पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? पिक्टोग्राफ में हमें पिक्चर्स दी होती है या सिंबल्स दिए होते हैं जिससे हम डेटा को कंपेयर करते हैं। और की इज द पार्ट ऑफ ए पिक्टोग्राफ डेट टेल्स व्हाट क्वांटिटी ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर। हमें की गिवन होता है कि उसमें बताया जाता है कि पिक्टोग्राफ क्या बता रहा है, कितने क्वांटिटी ईच सिंबल्स कितना स्टैंड करेगी, रेफर करेगी। क्लियर? नाउ यू सी दिस पिक्टोग्राफ, तो आपको इजीली समझ में आएगा, दिस इज़ द पिक्टोग्राफ क्रिसमस गिफ्ट्स। नाउ स्टेवन, ग्लोरिया, एंड्रयू एंड जेसिका रिसीव्ड क्रिसमस गिफ्ट्स फ्रॉम सेंटा क्लॉस, यूज द पिक्टोग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा पिक्टोग्राफ बना हुआ है। ये की है, दैट इज़ 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 2 गिफ्ट्स है। नाउ हियर द क्वेश्चंस आर गिवन, वी सी दिस पिक्टोग्राफ एंड आफ्टर दैट द वॉट एवर द क्वेश्चंस आर गिवन यू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। हमें इस पिक्टोग्राफ को देखकर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर्स बताने हैं। नाउ यू सी द कीवर्ड्स, दैट इज कीवर्ड इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट्स, किसने सबसे ज्यादा गिफ्ट्स किसको मिले। देखिए इधर ग्लोरिया के सबसे ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे Who got the most number? सिर्फ हमें नाम बताना है, तो हमने बता दिया यहाँ पे ग्लोरिया। क्या नाम बताएंगे हम? ग्लोरिया। तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? ग्लोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who got more gifts? जेसिका और स्टीवन। अब हम यहाँ जेसिका के देखेंगे कितने गिफ्ट्स हैं, 1 2 3 4, और स्टीवन के देखेंगे 1 2 3। अब यहाँ क्या पूछा है, हु गॉट मोर गिफ्ट्स, जेसिका और स्टीवन। आपने अभी देखा था किसको ज़्यादा मिले, दैट इज़ जेसिका। तो यू राइट, जेसिका गॉट मोर गिफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी गिफ्ट्स डिड ग्लोरिया एंड जेसिका गेट ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ कितने गिफ्ट्स मिले। तो आपने देखा यहाँ पे ग्लोरिया के कितने थे, 1 2 3 4 5 6, और उसका की पॉइंट क्या था, एक गिफ्ट किसके बराबर है, 2 गिफ्ट्स के, तो 6 2 12 हो गए, मतलब ग्लोरिया के 12 गिफ्ट्स। और जेसिका के भी काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 को 2 से इंटू कर दीजिए, डेट इज़ 8, तो 12 प्लस 8 फाइंड आउट करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, डेट इज़ 20। तो यू शुड राइट इट हियर, 20 गिफ्ट्स एंड ग्लोरिया एंड जेसिका गॉट ऑल टुगेदर, दोनों को कितने गिफ्ट्स मिले, 20।
नाउ इसका नेक्स्ट अनदर वे ये है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जेसिका के पहले हम गिफ्ट काउंट कर लें 1, 2, 3, 4 और ग्लोरिया के भी काउंट कर लें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं या अलग अलग भी फाइंड आउट करके फिर उनको ऐड कर सकते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। नाउ हु गॉट 6 गिफ्ट्स, किसको 6 गिफ्ट्स मिले थे? अब देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे ये कितने गिफ्ट्स हैं 1, 2, 3 और हर गिफ्ट किसको कितना शो कर रहा है नंबर, डैट इज़ 2, तो ये क्या हो जाएंगे 6, 2 + 2 = 4, 4 + 2 डैट इज़ 6, तो किसको मिले थे 6 गिफ्ट्स, डैट इज़ स्टीवन। तो यू राइट हियर स्टीवन गॉट 6 गिफ्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर गिफ्ट्स एंड डिड स्टीवन गेट देन एंड्रयू। अब यहाँ पे पूछा है कि स्टीवन को कितने ज़्यादा गिफ्ट मिले थे एंड्रयू से, तो यहाँ देखेंगे एंड्रयू को मतलब 2, 2, 4 और स्टीवन को 6, तो 6 - 4 डैट इज़ 2, तो 2 मोर गिफ्ट्स डिड स्टीवन गॉट देन एंड्रयू। सॉरी, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ यूज द पिक्टोग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पिक्टोग्राफ देखेंगे और यहाँ पे ये की दे रखा है कि 1 simple stands for 5 votes। अब आप देखेंगे यहाँ फेवरेट कुकीज गिवन है और इस पिक्टोग्राफ को देख के हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, जैसे विच कुकी गॉट द मोस्ट वोट्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिक्चर कहाँ बनी हुई है, पीनट बटर में, और एक जो आपकी कुकीज़ है उसको कितना 5 votes मिले, मतलब कि आपको नंबर फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ बताना है विच कुकी गॉट द मोस्ट वोट्स। तो यहाँ से हमने देख लिया कि किसको सबसे ज़्यादा मिले, पीनट बटर को, तो हमने यहाँ आंसर में क्या लिख दिया, पीनट बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन वोटेड फॉर चॉकलेट चिप। कितने स्टूडेंट्स ने चॉकलेट चिप के लिए वोट किया, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे चॉकलेट चिप में कितनी पिक्चर्स बनी हुई हैं, डैट इज़ 3, और एक पिक्चर 5 votes से स्टैंड करनी है, तो 3 × 5 = 15 इसके नंबर्स हो गए मीन्स की, लेकिन हमें हाउ मैनी चिल्ड्रन वोटेड फॉर चॉकलेट चिप, कितने चिल्ड्रंस ने इस चिप के लिए वोट किया, ये फाइंड आउट करना है हमें। और यहाँ बताया है कि ये जो पिक्चर है स्टैंड्स फॉर 5 votes है, तो हम क्या करेंगे 15 को, मीन्स ये नंबर हमारा 15 था, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने चिल्ड्रन आ जाएंगे, डैट इज़ 3 चिल्ड्रन वोटेड फॉर चॉकलेट चिप, क्योंकि हमें चिल्ड्रन फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हमने 15 को 5 से यहाँ डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर कुकीज। अब टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड आउट करने फॉर कुकीज़ के लिए, तो अब आप क्या करेंगे, सबको पहले काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये पूरी कितनी है 10 है, और ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर 5 votes, तो 10 × 5 डैट इज 50 votes, तो इन दिस वे आवर आंसर कम्स 50। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इफ पिक्टोग्राफ इज गिवन। Now, all of you go through this PPT and try to understand it. Thanks.